एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मिनिमल होम ऑफिस सेटअप। तो जैसे कि सबको पता है कि अभी एक साल से पैंडेमिक चल रहा है एंड हम लोग तब से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो वर्किंग फ्रॉम होम हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज अगर हम लोग घर पे हैं सो वी हैव अदर पीपल ऑल्सो एट होम एंड उनके साथ सब रूटीन बदल जाता है, सब बिगड़ जाता है। सो अगर आपको बेडरूम में ही बैठ के आपका काम करना है सो आप हमेशा आपके बेड पे ही सो के या बैठ के काम करते रहोगे तो बहुत लेथार्जिक फील होता है। सो मैंने कुछ महीनों तक वैसे ही कंटिन्यू किया था बिकॉज वी थॉट कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा एंड वी कैन गो बैक टू ऑफिसेज अगेन, बट सिचुएशन वैसा नहीं हुआ एंड वी कंटिन्यूड वर्किंग फ्रॉम होम। सो इसके लिए आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ डिफरेंट वर्क स्पेस फॉर माई सेल्फ ताकि मैं वहाँ पे बैठ के अपना ऑफिस का काम आराम से कर पाऊँ एंड लेथार्जिक या लेजी फील ना करूँ। क्योंकि अगर हम बार बार हमारा माइंड ऐसा सेट होता है कि अगर हम लोग बेड पे बैठ के कुछ काम करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सोचता है कि ये अभी सोने का टाइम है एंड वी स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। सो इट्स बेटर कि हम प्रॉपर चेयर एंड प्रॉपर टेबल पे या कोई भी प्रॉपर कॉर्नर बना के वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। सो आई हैव क्रिएटेड टू स्पेसेस फॉर माई सेल्फ जहाँ पे मैं बैठ के आराम से काम कर सकती हूँ। एक इज़ द प्रॉपर ऑफिस प्रोफेशनल काइंड ऑफ सेटअप एंड अनदर वन इज़ अ कोजी काइंड ऑफ सेटअप जब मुझे थोड़ा अपना मूड लाइटन अप करना होता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो वो जब स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो वो टाइम पे मैं वहाँ पे जाके बैठती हूँ। सो आई जस्ट शो बोथ ऑफ दीज टू यू। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हाँ, जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये मेरा ऑफिस टेबल है, यहाँ पे मैं बैठ के काम करती हूँ। यहाँ पे एक साइड में विंडो है एंड यहाँ पे बेड है जहाँ ये विंडो से बहुत ऑसम व्यू मिलता है। वी स्टे ऑन द 22nd फ्लोर। सो मुझे ऐसी स्पेस में ही बैठना था जहाँ से मुझे बाहर का व्यू दिखे ताकि बार बार स्क्रीन पे देख के जो आँखें जलती या दुखती है सो अगर हम थोड़ी देर तक दूर तक देखेंगे तो आँखें अपने आप काम डाउन हो जाती है। सो दैट्स वाई मैंने ये लोकेशन चूज़ किया। इसके पहले मैं अपोजिट साइड में बैठती थी बट वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लग रहा था रूम में। सो आई जस्ट चेंज द सेटअप एंड नाउ आई सिट हियर। सो आपको इसे दिख रहा है, ये टेबल मैंने एक लोकल स्टोर से खरीदा था। ये फोल्डेबल टेबल है, ये लाइक इतना स्लीक सा बन जाता है कि जब आपको यूज़ नहीं करना है तब आप इसको कोई भी कॉर्नर में रख सकते हो। बिकॉज यू नो व्हाट, मैंने ऐसा टेबल इसीलिए लिया बिकॉज ऑफकोर्स ऑफिसेस कभी ना कभी स्टार्ट हो जाएगी एंड जैसे कि हम लोग रेंट पर रहते हैं सो वी डोंट नो इफ़ द प्लेस दैट वी हैव वो हमेशा ही इतनी बड़ी रहेगी या नहीं। तो वो टाइम पर मुझे मेरा स्पेस क्लटर्ड नहीं चाहिए एंड आई जस्ट वॉन्टेड दी टेबल टू बी अ फोल्डेबल वन। तो मैंने ये ख़रीदा एंड ये देखोगे तो इसके हमने बहुत सारे टेबल्स देखे, ऑनलाइन भी सर्च किए एंड लोकल मार्केट में भी जाके देखे। सो लोकल फर्नीचर वालों के पास जो टेबल्स थे उनके जो ये कॉर्नर्स थे ये बहुत ज़्यादा शार्प थे। सो ये वाला जो देखा था इसमें कॉर्नर शार्प नहीं है एंड ये बिल्कुल भी आपको बैठते हो तब हाथ पे या आपके कोई भी बॉडी पार्ट पे टच होके स्क्रैचेस जैसे फील नहीं आता है। यहाँ पे अलग से एक हाइटेड टॉप दिया हुआ है इस टेबल पे विच इज़ वेरी यूजफुल, जो आपको दिख रहा है कि मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको जो एक ये दिख रहा है, सॉरी, हाँ, ये मेरा एवरीडे का कुछ हेल्थ काइंड ऑफ सेटअप है। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग मैं तो इतनी लेजी हूँ कि मैं यूजुअली मॉर्निंग में उठते से ही गर्म पानी पीना या फिर एप्पल साइडर विनेगर लेना या नींबू एंड वार्म वाटर पीना ये सब करना चाहती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ द लेजीनेस कि अभी कौन पानी गर्म करे एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो मैंने यहाँ पे ही मेरा एक ऑर्गेनाइजर में एक एप्पल साइडर विनेगर रखा हुआ है जो मैं रोज़ सुबह लेती हूँ। दिस इज़ द कप इन विच आई टेक दैट एप्पल साइडर विनेगर। मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रॉज भी रखे हैं, मैंने स्टील स्ट्रॉज लिए हुए हैं। सो प्रॉब्लम इज़ कि जब आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तब आपके टीथ में एनामलिंग हो सकती है तो इसलिए अगर आप स्ट्रॉ से पियोगे ACV तो आपको वो सार फीलिंग नहीं आएगी आपके टीथ में। सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस स्ट्रॉज एंड दिस इज़ वन पाउडर जो मैंने क्रिएट किया है अपने लिए, लाइक यू कैन से अ वेट लॉस काइंड ऑफ पाउडर जिसका रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। सो ये मैं एवरी
लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर के बाद हाफ एन आवर के बाद पानी में डाल के पीती हूँ. सो इट रियली हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एज वेल एज द वेट लॉस. सो दैट्स इट. सो ये मेरा एक पार्ट था एंड अनदर वन इज दिस थिंग. या दिस इज माई इलेक्ट्रिक केटल. सो एज आई सेड कि आई एम टू लेजी सो आई बॉट दिस इलेक्ट्रिक केटल. इट इज़ वेरी 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 हैंडी एंड यूजफुल. ये इससे इसमें आपको बस पानी भरना होता है एंड आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक केटल क्या काम करता है. पानी भरना होता है, स्विच ऑन करना होता है. यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का, वो ऑन करके पानी गर्म हो जाता है एंड आई जस्ट ड्रिंक माई एप्पल साइडर विनेगर और वॉट एवर काइंड ऑफ ड्रिंक आई वॉन्ट, बी इन ग्रीन टी और एनी अदर थिंग. सो इट्स रियली यूजफुल फॉर मी. एंड ये टेबल पर रखने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है बिकॉज लाइक इफ आई हैव अ 9 hours शिफ्ट तो मैं बार बार उठ के बाहर जाके पानी पीने के लिए नहीं जाऊँगी. सो आई मेक श्योर कि मैं इसको फिलअप करके रखूँ एंड आई कीप ड्रिंकिंग दिस फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी है मैंने मोस्टली काम की चीज़ें रखी है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा ऑफिस का लैपटॉप है एंड माउस है एंड उसका चार्जर है. कैंडल रखी है एंड दिस इज़ माय वाटर बॉटल. अगर मुझे गर्म पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है तो मैं इसमें से पीती हूँ. सो ये है एंड मैं आपको नीचे दिखाती हूँ. मैंने नीचे एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है. ये ऐसा ऑर्गेनाइज़र आपको कहीं भी नॉर्मल लोकल स्टोर में या फिर ऑनलाइन अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा. ये मैंने 2-3 साल पहले खरीदा था. खासे अभी ये अच्छी स्टेट में है सो आई एम जस्ट यूजिंग इट एज एन ऑर्गेनाइज़र फॉर माय ऑफिस वर्क. सो जैसे कि आपको दिख रहा है ये फुल व्यू है मेरे ऑफिस टेबल का एंड नीचे आपको ये ऑर्गेनाइजर्स दिख रहे हैं. सो ये ऑर्गेनाइजर्स है. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, बेसिक सी चीज़ें रखी हुई है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा ऑफिस का हेडसेट है. ये एक बुक है जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ, विच इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद. एंड दिस इज़ माय ऑफिस की नोटबुक जिसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें लिखने के लिए यूज़ करती हूँ. आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नहीं, इसमें मेरे स्पेक्स है, इसमें ग्रीन टी है, यहाँ पे कुछ चार्जर्स है एंड कुछ बेसिक्स चीज़ें मेरी बेटी के, अगर वो आती है रूम में तो उसको उसके लिए लगती है. देन यहाँ पे आप देखोगे तो पेन्स है इसमें मैंने रखे हुए हैं. ये मेरी बेटी के लिए भी यूज़फुल होते हैं, वो बहुत खेलती है इनके साथ एंड फॉर मी एज वेल. जैसे मैंने बोला रेली स्प्रे है. देन माय हीटिंग पैड एंड सम मेडिसिंस जो मेरे को डेली बेसिस पे लेनी होती है. एंड यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक सा स्टफ़ है. ये ओजीवा हर बैलेंस मैं लेती हूँ एवरी डे एंड सम बेसिक चीज़ है जो नॉर्मली होती है ड्रॉवर्स में. सो या ये है. इसके पीछे मैंने दो योगा मैट्स रखी हुई है, वन ऑफ माई हस्बैंड एंड वन इज़ ऑफ माइन विच वी यूज़. सो या दिस इज़ द ऑफिस सेटअप. आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसे दिखता है फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम हियर. सो इट्स रियली ब्यूटिफुल. During the rainy season it feels like a hill station and and this is my office chair. मैंने इसके ऊपर एक कवर लगाया है जो अमेजोन पर मिला था मेरे को. मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो या इट्स वेरी कम्फर्टेबल टू सिट विद द चेयर एंड द टेबल दैट आई हैव नाउ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइड जो मैंने मेरे लिए कोजी एनवायरमेंट का बनाया हुआ है. सो या सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ऑफिस सेटअप लुक्स लाइक दिस. ऑल्सो सर्व्स एज अ यूट्यूब बैकग्राउंड फॉर मी. सो या इट सर्व्स एज अ ड्यूअल पर्पस. आप भी आपके रूम में, आपके घर पे ऐसा एक कोजी सा कॉर्नर बना सकते हो जहाँ पे आप बैठ के बुक पढ़ सकते हो, आप आपका स्पा कर सकते हो, आप आपका ऑफिस का काम कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो. मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा एंड या सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.